इंटरव्यू शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैंने अपने टेक्निकल क्वेश्चंस बताए हैं जो कि इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछे थे। तो इसमें मैंने 15 टेक्निकल क्वेश्चंस बताए हैं जो कि इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछे थे और उसके आंसर्स भी बता रखे हैं। तो आप देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या थे जो कि HCL में मुझसे पूछे थे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन था रिमूव और पॉप, ये क्वेश्चन था पाइथन से। तो रिमूव क्या करता है? रिमूव आपका वो जो वैल्यू मैच होती है उसको रिमूव करता है, और पॉप में इंडेक्स जो मैच करेगा, जैसे आप 1 इंडेक्स दोगे तो वो 1 इंडेक्स की वैल्यू को पॉप कर देगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और कंपाइल लैंग्वेज है। तो पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि इसमें जो हमारा आउटपुट आता है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होकर के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो सी क्या है? सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सब आपका सी प्लस प्लस में होता है। तो ये सब मैंने उनको बताया, और इनहेरिटेंस यूज़ होता है, ये सब ऑब्स के कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, और ये सब बता दिया है ना। तो ऑब्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने सी प्लस प्लस वाले में बता दिए, और सी हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि डिफरेंस बताओ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो मैंने कहा कि कंपाइलर क्या करता है? एक बार में ही सारे कोड को आउटपुट जो है वो कंपाइल कर देता है, स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट होल कोड, होल मशीन कोड एट वंस। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? वो जस्ट 1 स्टेटमेंट लेता है और फिर उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब उन्होंने फिर पूछा मुझसे पाइथन से रैंडम फंक्शन क्या काम करता है। तो रैंडम फंक्शन क्या काम करता है? ये आपका रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करके देता है। जब हम डॉट रैंडम लिखते हैं तो फिर ये हमारा इस फॉर्म में, ये जो है यहाँ पे ऐसे जो फॉर्म है ना 0.0 1.0, तो 0.0 से 1.0 के बीच में ये रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देता है। इनिट पूछा फिर मुझसे कि इनिट क्या है। तो इनिट एक फंक्शन है और मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इट इज़ नोन एज अ कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में जैसे आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो, ऐसे ही इनिट मेथड पाइथन में यूज़ होता है। फिर उन्होंने पूछा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का क्या काम है और क्या है ये। तो मैंने कहा OSI मॉडल की थर्ड लेयर है और इसका मेन काम राउटिंग है, और फिर बता दिया ये पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। आप लोग जो है आंसर देख लो, मैं अपना बता रही हूँ मैंने क्या बताया। फिर नेक्स्ट क्या है? TCP/IP के लेयर्स पूछी। तो जो ये TCP/IP है और दूसरी होती है OSI, तो हमें ध्यान देना है कि TCP/IP पूछ रहे हैं या OSI पूछ रहे हैं। तो TCP/IP में तो 4 लेयर्स होती हैं, ये नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। लेकिन जो OSI होते हैं उसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो उन्होंने पूछा था TCP/IP। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो कॉल बाय वैल्यू में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वैल्यू पास होती है, ठीक है। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस में हम कॉल करते हैं तो उसका वैल्यू ना पास होकर के एड्रेस पास होता है। अब void क्या काम करता है? व्हाट इज void? उन्होंने पूछा व्हाट इज void? void डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जैसे कि आप इंट लिख करके कोई फंक्शन लिखोगे तो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू इंटीजर टाइप की। लेकिन जब हम void लिख करके कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो फिर वो कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। जैसे भी आपने देखा होगा सी में void करके void main फंक्शन, और फिर लास्ट में कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत होती। लेकिन जब आप लिखते हो int और main, ऐसे
लिखते हो इन मेन, तो लास्ट में आपको रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है क्योंकि हमने क्या लिखा है ऊपर इन। लेकिन अब जब हमने void लिखा है तो void में हमें कुछ भी return नहीं करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा जब हमारा यहाँ पे void रहेगा तो। ठीक है, next आ जाओ। next question था उनका push और pop। तो उन्होंने पूछा था कि push और pop कहाँ पर हम perform करते हैं, कौन से location पर। तो मैंने कहा कि या push करना हो या push या pop, तो हमें पता है कि हमने stack में पढ़ा है पुश और पॉप ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। तो टू ऐड एन आइटम टॉप ऑफ द लिस्ट तो पुश यूज करेंगे और पॉप यूज करेंगे, इसका मतलब एलिमेंट को हमें पॉप करना है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हमसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, SDLC, व्हाट इज SDLC। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग ये सब यूज होती है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, SDLC की रिक्वायरमेंट है। फिर ये मेरा 14th क्वेश्चन है, गलती से 3 हो गया। तो व्हाई पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उन्होंने पूछा व्हाई पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज कंसिडर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल ब्लर बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग। In fact, Python is not a scripting language, but a general purpose programming language that also works nicely as a scripting language. Means, Python वैसे है नहीं scripting language, ये work करती है scripting language की तरह। Last question पूछा testing का, technical में से उन्होंने last question पूछा testing, what is testing? तो software testing में हमारी दो testing होती है, एक white box और एक black box testing. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नॉट नोन टू द टेस्टर। इसमें टेस्टर को नहीं पता होता कि उसको क्या टेस्ट करना है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर इज नोन टू द टेस्टर, टेस्टर को पता रहता है उसको क्या टेस्ट करना है। और एंड में उन्होंने मुझसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, वो एप्टी का क्वेश्चन था, तो अभी तो मुझे वो याद नहीं है। तो टेक्निकल में इतना ही था, थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और कमेंट भी करें अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं कमेंट पर आपको बता दूँगी। थैंक यू।